नमस्कार दोस्तों, तानाशाही का आलम यह देखिए, अफसरशाही का आलम कि आप जिन चीजों को अधिकार सरकार ने दी है और संविधान ने जिस चीज को दिया है उन चीजों को भी खत्म करने पर लगी है ये अफसर, जो लाल तानाशाही हैं, जो अफसर हैं उन चीजों पर भी कुठाराघात करने पर लग गए हैं। अब आप ही बताइए कि किसी भी महिला को जो विशेषावकाश मिलता है वो उनकी अपनी विशेष परिस्थिति, अपने मासिक धर्म जो होता है उनके लिए, जो उस समय कठिनाइयों से वो गुजरती हैं उसी समय उन्हें उनको जरूरत होती है और उसके लिए सरकार ने बाजाता 2 दिन का अवकाश प्रत्येक माह में उन्होंने निर्धारित किया है सरकार ने। लेकिन आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव जो कि के पाठक जी के द्वारा वैशाली में 21 जुलाई को उनका विजिट था और विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण था, शायद वहाँ पर उन वहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा शायद निर्देश किया गया होगा, क्योंकि इस पत्र को अगर पढ़ा जाए तो इस पत्र में साफ तौर से इससे क्लियर नहीं होता है कि उन्हें निर्देश था या नहीं था। लेकिन एक महिला ने जो जो कि पंचायत शिक्षिका है, रिजवाना खातून, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर प्रखंड राजा पकड़ की एक शिक्षिका है, जिसके द्वारा 21 तारीख को वो स्पेशल लीव में यानी कि जो कि उनका अपना अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करते हुए विशेष अवकाश में वो थी 21 तारीख को, लेकिन अपर मुख्य सचिव के द्वारा स्कूल का जांच हुआ और जांच में उन्हें स्कूल में नहीं पाया गया। ऐसे परिस्थिति में उनको शोकज जारी कर दिया गया और 1 दिन का वेतन भी स्थगित कर दिया गया है। और ये पत्र जो वैशाली के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये निर्गत किया गया है। इसका पत्रांक 3480 है, स्थापना जो कि 22 जुलाई 2023 को यह पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि आप उस दिन आपकी लापरवाही थी, काज में शिथिलता बरतने, बच्चों का जो अधिकार है उसका हनन का आरोप उन पर लगाया गया है। तो आप स्वयं सोचिए कि इस तरीके का पदाधिकारी जब खुद ही आदेश निकालेंगे तो कैसे होगा। पदाधिकारी का काम है शिक्षा के या कर्मचारी का संरक्षण करना, उन्हें उन्हें जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है या उनके साथ गलत होता है उनसे बचाव करना, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो उल्टा ही किया जा रहा है। शिक्षिका से जो विशेषावकाश पर थी उनसे उल्टे ही कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और उनसे शोकज भी पूछा गया है और एक पक्षीय कार्रवाई की बात की जा रही है। तो यह पत्र आप देखें, इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि आज दिनांक 21 जुलाई 2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी प्रखंड राजा पकड़ के निरीक्षण के क्रम में आपके द्वारा लिया गया विशेषावकाश को उनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अब बताइए कि जो विशेषावकाश है उससे किस आधार पर अस्वीकृत किया गया है के पाठक जी के द्वारा, यह समस्या परे है। तो अगर जो शिक्षकों का अधिकार है उन्हें ही जब छीन लिया जाएगा तो शिक्षक अपने बच्चों को क्या सिखलाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शिक्षक एक आप तरफ कहते हैं कि शिक्षक जो है सो रोल मॉडल होते हैं और रोल मॉडल के साथ ही इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। शिक्षक खुद के साथ ही इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, खुद का इंसाफ उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो बच्चों के साथ क्या इंसाफ करेंगे। तो ये एक पत्र जो निकला है यह बिल्कुल ही तानाशाही भरा पत्र है। इस पत्र में 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करने के लिए विद्यालय में जो अनुपस्थित रहने, अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने, बच्चों के शिक्षा का अधिकार हनन के आरोप में क्यों नहीं आपको निलंबित करते हुए विद्यालयी कार्यवाहीधीन किया जाए, यदि तय समय सीमा में आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और उसके बाद आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। तत्काल दिनांक 21/7/2023 का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो उनका वेतन भी स्थगित कर दिया है, इस पत्र को अगर देखें तो वेतन भी स्थगित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि ये विभाग के पदाधिकारी अब किस रूप में सामने आ रहे हैं आप सभी के सामने है, क्या यह उचित है, यह आम जनता से भी सवाल है, शिक्षकों से भी सवाल है, जो कर्मचारी हैं उनसे भी सवाल है, क्या विशेषावकाश लेने का अधिकार जांच के क्रम में नहीं है। अगर नहीं है तो इस अवकाश की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि विशेषावकाश कोई
जानबूझ करके नहीं लिया जाता है, बल्कि वो एक मेडिकल कंडीशन होता है उसके तहत वो लिया जाता है। ऐसे परिस्थिति में उस अधिकार का हनन करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो आप सभी लोग तमाम, आप सभी जो इस चैनल पर दर्शक हैं, उन सबसे आग्रह होगा कि आप निश्चित तौर से इस पर कमेंट करके बताएं कि क्या यह विभाग का कार्यवाही जो है उचित है या गलत है।